आपका अपना YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रजापति, आज हम आपको क्यूब रूट के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि क्यूब रूट किस तरीका से निकाला जाता है। आपको करना क्या है, एक से लेकर नाइन तक क्यूब लिख लेंगे, एक से नाइन तक अंक लिखेंगे। आपको यूनिट प्लेस पे देखना है कौन कौन सा नंबर नो चेंज है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे कोई बदलाव नहीं है। तो वन का वन देख रहे हैं, नो चेंज। उसके बाद क्या देख रहे हैं, फोर का फोर यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं, इसमें भी कोई चेंजिंग यूनिट प्लेस पे नहीं हो रहा है। फाइव का फाइव देख रहे हैं, नो चेंज। सिक्स का सिक्स देख रहे हैं, नो चेंज। नाइन का नाइन देख रहे हैं, नो चेंज। बचा क्या, टू थ्री सेवन एट। यूनिट प्लेस पे अगर टू आता है तो टू किससे आता है वो देखना आपको। तो टू आता है यूनिट प्लेस पे किससे, एट से। अगर यूनिट प्लेस पे आठ आ जाए तो आठ किससे आएगा, तो दो से। कर्सर का निशान आपको दोनों साइड देना है, आई ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं थ्री। यूनिट प्लेस पे तीन किस कंडीशन से आता है, तो सेवन से आता है। और सेवन यूनिट प्लेस पे आएगा किस कंडीशन से, थ्री से। ये अगर यूनिट प्लेस पे दो आएगा क्या लेंगे, आठ। आठ आएगा तो दो, तीन आएगा तो सात, सात आएगा तो तीन। इसके अलावा नो चेंज, इसके अलावा नो चेंज। दैट मीन्स अगर यूनिट प्लेस पे वन आएगा तो वन का वन, फाइव आएगा तो फाइव का फाइव, सिक्स आएगा तो सिक्स का सिक्स, नाइन आएगा तो नाइन का नाइन। अब ये सब नंबर हम यूज कैसे करेंगे, किस तरीका से यूज करेंगे, तो आइए इस पे वर्क करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, 216। आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं कि क्यूब रूट में तीन का पेयर लगता है, स्क्वायर रूट में दो का पेयर, क्यूब रूट में कितने का पेयर, तीन का। तो तीन अंक कंप्लीट। अब आगे देखिए, इसके आगे सर, इसके आगे कोई नंबर है, अगर कोई नंबर होता तो बोलते कितना आगे क्यूब से भवन, कोई नंबर नहीं है। तो यूनिट प्लेस पे सिक्स है, सिक्स का कोई रूट नहीं, तो आंसर हो जाएगा सिक्स का सिक्स। आंसर क्या होगा, सिक्स का सिक्स। आप सही समझे, इसका जो आंसर होगा सिक्स का सिक्स ही होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, आपका थ्री फोर थ्री, क्यूब रूट में कितने का पेयर लगता है, तीन का, तीन अंक कंप्लीट। अब आपको देखना क्या है, इसके आगे कोई नंबर है क्या, अगर कोई नंबर होता तो बोलते कितना के क्यूब से भरे, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो अब लास्ट देखिए, यूनिट प्लेस पे तीन है, तो तीन का नियम क्या है, सात। अगर यूनिट प्लेस पे तीन आएगा तो क्या लेंगे, सात, और सात आएगा तो तीन। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट अगर आपको बोल देगा 512 का निकालने के लिए, तो क्यूब रूट में तीन का पेयर लगता है, तीन अंक कंप्लीट। अब आगे कोई नंबर है ही नहीं जो बोलेंगे कितना के क्यूब से भरे, कोई नंबर नहीं है। यूनिट प्लेस पे दो है, दो का नियम क्या है, आठ, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज, आठ, ठीक है। तो ये आठ का क्यूब होता है 512 होता है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, सेवन टू नाइन, क्यूब रूट में कितने का पेयर लगता है, तो बोलेगा तीन का, तो तीन अंक कंप्लीट। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यूनिट प्लेस पे क्या है, नाइन, तो नाइन का केवल नाइन नियम होता है। यूनिट प्लेस पे दो आएगा तब आठ लेंगे, आठ आएगा तो दो लेंगे, तीन आएगा तो सात लेंगे, सात आएगा तो तीन। इसके अलावा नो चेंज, इसके अलावा नो चेंज। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट वन थ्री थ्री वन। अब ध्यान दीजिए, ये तीन अंक कंप्लीट, ये कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, ये जो वन देख रहे हो कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो आपका जवाब आएगा वन। और यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए तो वन है, वन का कोई रूल यहाँ पे देखे तो नहीं है, तो वन का वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्यारह होगा, ग्यारह का क्यूब होता है 1331। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग बहुत अच्छे से, 1728 क्यूब, ध्यान दीजिएगा इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट में कितने का पेयर लगता है, तीन का, तीन अंक कंप्लीट। आगे जो वन देख रहे हैं कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो बोलेंगे वन। आठ का नियम क्या है, तो दो है, तो आंसर हो जाएगा बारह का क्यूब होता है 1728। बारह का क्यूब कितना होता है, 1728। नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्यूब रूट आप 2197 क्यूब रूट में कितने का पेयर लगता है, तो तीन का, तो तीन अंक कंप्लीट। ये कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो आपका जवाब आएगा वन, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या है, सात, सात का नियम क्या देख लीजिए, थ्री, तो आंसर हो जाएगा 13 का क्यू होता है आपका 2197। 13 का क्यू कितना होता है, 2197। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 2744। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीन अंक कंप्लीट, ये कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो वन। अब चार का नियम देख लीजिए, तो यहाँ पर कोई रूल है, चार का नहीं है, तो चार का केवल चार हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 14। आंसर कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट सब लोग ध्यान देंगे, 3375 क्यूब रूट, ध्यान दीजिएगा तीन का पेयर लगता है, तीन अंक कंप्लीट।
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब लोग नोटिस कीजिएगा, ये कितना के क्यूब से अभी बराबर है टू वन। अब पांच का कोई नियम बिल्कुल नहीं होता, पांच का पांच तो आंसर क्या हो जाएगा 15। आंसर कितना होगा 15। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, एक काम करिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका लेते हैं 4096। इसका आपको निकालना क्या है, क्यूब रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। तो ये कितना का क्यूब से भाव है, ये बताइए कितना का क्यूब से भाव है। तो सॉरी ये तीन अंक कंप्लीट, ये कितना के क्यूब से भाव है इसके बारे में बताना आपको, ठीक है। तो आपका जवाब आएगा सर वन, क्योंकि दो का क्यूब तो आठ होता है, दो का क्यूब कितना होता है आठ, तो इसके लिए क्या लेंगे वन। और सिक्स का कोई रूल है देखिए तो नहीं, तो आंसर क्या होगा 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 16। नेक्स्ट आप बनाएंगे 49 13, तीन अंक कंप्लीट। ये बताइए कितना के क्यूब से भाव या बराबर है टू वन। और तीन का नियम देखिए क्या, थ्री का नियम सेवन, तो आएगा आंसर आपका 17। 17 का क्यूब था 49 13, 17 का क्यूब 49 13। नेक्स्ट आप बनाएंगे सब लोग आपका 5 8 3 2, तीन अंक कंप्लीट। ये जो 5 देख रहे हैं वो कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो आपका जवाब आएगा 1। और 2 का नियम क्या है 8, तो 18 का क्यूब होता है कितना 58 32, 18 का क्यूब कितना होता है 58 32। नेक्स्ट आप बनाएंगे 68 59, ओके, तो तीन अंक कंप्लीट। ये कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो आपका जवाब आएगा 1। और 9 का कोई रूल यहाँ पे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट आपका 32768, 32768, ठीक। ये तीन अंक कंप्लीट। ये कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो हम बोलेंगे 3। 3 का क्यूब 27 27, तो 3 का क्यूब से एभव हो गया। यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 का नियम क्या है 2, 8 का नियम क्या है 2, 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो कितना 2, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3। इसके अलावा नो चेंज, इसके अलावा नो चेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा आप बोलिएगा 32। नेक्स्ट 24389, क्यूब रूट में 3 का पेयर लगता है, 3 अंक कंप्लीट। ये कितना के क्यूब से एभव या बराबर है, तो आपका जवाब आएगा ये आपका 2 का क्यूब से एभव है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 2 का क्यूब से एभव है। 9 का कोई रूल यहाँ पे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 29। तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे 2 अंक का गुणा एक लाइन में, 3 अंक का गुणा एक लाइन में किस तरीका से हम क्विक निकालते हैं, ठीक है। जो आप जो नए बच्चे आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कमेंट आपको करना है। अगर कोई कुछ जो है अगर दिक्कत हो या कुछ जानकारी लेना हो आपको, ठीक है ना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।